तो हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्विगी ऐप में अपना अकाउंट आईडी कैसे बना सकते हो और ऑर्डर कैसे कर सकते हो खाना का। तो दोस्तों, ये सब बहुत आसान होता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इस ऐप को ओपन बस करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद यहाँ से आपसे बोलेगा कि आप डिलीवरी लोकेशन सेट करना चाहते हो कि पहले लॉगिन करना चाहते हो। तो हमें लॉगिन करना है, तो नीचे वाले आइकन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है एक। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दें। यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो, यह लाइन चल रही है और यह हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोलेगा अपना ईमेल एड्रेस इंटर करने को। तो यहाँ पर गाइस अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर दीजिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों, आपको नाम डालना हो तो उसके बाद एक पासवर्ड इंटर करना होता है। तो अपना एक पासवर्ड यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करके डाल दीजिए। उसके बाद गाइस साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी के आपके फ़ोन नंबर पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर आने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसेड, यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन मांगेगा। तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, आपका हो गया अकाउंट क्रिएट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। उसके बाद एडिट लोकेशन पे टाइप करके आप मतलब अपना लोकेशन ढूंढ सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं ढूंढ लूँ, यहाँ पर जैसे ही लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर क्लिक करने के बाद यह हमारा हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यह आपका हो जाएगा। आई होप कि गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चूज ऑल बेल आइकन।